सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है एक मोदी के पास एक बड़ी थिंक टैंक है, क्या कुछ लोग अंदेशा जता रहे हैं कि वो किसानों को काउंटर करने के लिए लैंड रिफॉर्म बिल लाएंगे जिनकी उनकी मंशा है, वोट के लिहाज से वो नफा नुकसान सोच रहे हैं, उनको लगता है कि एक बड़ा तबका है मजदूर गरीब लाचार जिसको लैंड रिफॉर्म के नाम पर अपने पाले में लाया जा सकता है अगर किसान के नाम पर लोग उनसे अलग होते हैं? मैं बताऊं, अगले 2.5 साल में मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसान के बारे में कोई भी अच्छा या बुरा कानून लाने की। मैं सच बता दूं, अगली बार इनको एग्रीकल्चर लाओ मोदी जी के कान में कोई बोलेगा ना, मोदी जी कुर्सी से उछल के दूसरी तरफ जाएंगे कि भैया माफ कर थोड़ा सा, इतना तो इस आंदोलन ने कर दिया। मोदी जी छोड़ो, बाकी किसी मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से हेराफेरी करेंगे उससे बाज नहीं आएंगे, लेकिन अब फ्रंट डोर से एंटी फार्मर पॉलिसी लाने का रास्ता बंद हो गया है कम से कम कुछ साल के लिए, सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं कांग्रेस वालों के लिए भी, बीजेपी कांग्रेस सबके लिए कुछ टाइम को सबको सबक मिल गया है कि भाई किसान से छेड़खानी नहीं करनी। तो सामने से तो कानून नहीं लाएंगे, पिछले दरवाजे से कुछ करेंगे, उसको भी देखा जाएगा। शुक्रिया हमसे बात।